हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2018 और 19 में लॉन्च हुई कुछ पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला किताब है स्टूडेंट्स, इमोर्टल इंडिया। ओके, इमोर्टल इंडिया, ये जो है ये किताब लिखा गया है अमीश त्रिपाठी के थ्रू। ठीक है, इमोर्टल इंडिया जो है ये लिखा गया है अमीश त्रिपाठी, ये राइटर हैं, इनके थ्रू लिखा गया है। और इसमें जो अमीश त्रिपाठी हैं, लेखक हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि भारत को इस तरह पहले कभी नहीं तेज लेखों और नाजुक भाषणों, ये देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, और बुद्धिमान बहसों की एक श्रृंखला के माध्यम से समझने में मदद करता है। ये जो इमोर्टल इंडिया ये जो किताब है, इसके अंदर ये हम अपने जो भारत है, भारत में पहले कभी नहीं, और इसमें बहुत सारे लेखक भी हुए हैं। ठीक है, तो लेखकों के बारे में और कहानियों के बारे में, बुद्धिमान बहसों के बारे में इसका उन्होंने एक चेन बनाया है, कड़ी बनाई है, और जिसके माध्यम से ये हमें अपने भारत को समझने में ये मदद करता है ये किताब। ठीक है, कौन सी, इमोर्टल इंडिया, और ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत कैसे दुनिया को देखता है, ये किताब लिखा है श्याम सरन जी ने। भारत कैसे दुनिया को देखता है, तो इसमें है कि इसमें जो किताब है, यह बंद दरवाजे के पीछे की प्रसिद्ध नेताओं के शीर्ष स्तर पर बातचीत के बारे में बताती है। मतलब ये है कि इसमें भारत कैसे दुनिया को देखता है, यह किताब लिखा गया है श्याम सरन जी के द्वारा। और इसमें श्याम सरन जी, ये लेखक है इस किताब के, यह बताते हैं कि जो प्रसिद्ध नेता होते हैं ऊँचे स्तर पर, जितने भी फेमस आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके बातचीत का जो लेवल होता है उसके बारे में यह किताब बताती है। ठीक है, भारत कैसे दुनिया को देखता है। नेक्स्ट है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर इज़ रिटन बाई मारिया शारापोवा। ठीक है, मारिया शारापोवा ये प्रसिद्ध स्पोर्ट्समैन है टेनिस की। ठीक है, टेनिस गेम को खेलती हैं और ये स्पोर्ट्स गर्ल हैं, सॉरी। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर इस किताब में इन्होंने ये बताया है कि सफलता के लिए अपने साधारण वृद्धि की कहानी बताती हैं, असाधारण वृद्धि की कहानी बताती है। इसमें मारिया शारापोवा ने जितना स्ट्रगल किया है, कैसे उन्होंने अपने टेनिस गेम को जो उन्होंने कैरियर के रूप में चुना, उसमें उन्होंने कैसे सफलता पाई, एक असाधारण जो उनका ग्रोथ हुआ उसके बारे में भी ये इस किताब में बता रही हैं, जिसमें एक ही नो होल्ड अवरुद्ध, मतलब कि बिना रुके और एकदम कोशिश करते हुए, जो एक पैशन होता है कि नहीं हमें ये जगह हासिल ही करनी है, हमें उस पोजीशन पे जाना है सबसे टॉप पर। ठीक है, तो बिना नो होल्ड अवरुद्ध और भयंकर उत्तेजक रवैया जो उसकी टेनिस गेम को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए आज मारिया शारापोवा टॉप वन पर ये टेनिस गेम खेलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किताब है कारगिल के शेर शाह। कारगिल के शेर शाह ये दीपक सुराना के थ्रू लिखा गया है, और कारगिल के शेर शाह आपको दिवंगत कप्तान विक्रम बन्ना पीवीवी के जीवन और समय के माध्यम से ले जाता है, जो कारगिल युद्ध के सबसे महान भारतीय सैनिकों में से एक थे। नेक्स्ट है कड़वे वचन, ये लिखा गया तरुण सागर महाराज के द्वारा, लेखक की महान शिक्षाओं पर यह पुस्तक बेस्ड है। कड़वे वचन जो है यह लेखक की, यानी तरुण सागर महाराज की महान शिक्षाओं पर ये पूरा ये बेस्ड है। नेक्स्ट है किताब का नाम मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ तो क्या, ये किताब लिखा गया है जयंत ललिता जी के द्वारा। इस पुस्तक के बारे में राइटर बताती हैं कि कैसे एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति ने अपने असफल स्वास्थ्य में सुधार किया और ये मनोवैज्ञानिक आघात को खत्म कर दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने के लिए कलंक और भेदभाव से भी उन्होंने वो लड़ा जो ये व्यक्ति है एचआईवी पॉजिटिव। नेक्स्ट बुक है क्रिप्टोकरेंसी फॉर बिगनर्स, ये लिखा गया है अमित भारद्वाज जी के द्वारा। यह पुस्तक जो है ये क्रिप्टोकरेंस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को बताता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ अ लीजेंड ये बिंदेश्वर पाठक के द्वारा लिखा गया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई है। ये बुक देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि
ये पूछा जा सकता है कि ये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये लिखा गया है, तो मेकिंग ऑफ अ लीजेंड ये पुस्तक लिखा गया है बिंदेश्वर पाठक के द्वारा, लेखक का नाम है बिंदेश्वर पाठक और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है, मेकिंग ऑफ अ लीजेंड। नेक्स्ट डलहौजी थ्रू माई आईज ये किरण चड्ढा जी के द्वारा लिखा गया है, यह लगभग 2 शताब्दियों के चित्रमय इतिहास का एक टुकड़ा है और 5 पहाड़ियों पर फैला हुआ डलहौजी लंबा पाइन पेड़ों के साथ बर्फ से घिरे पहाड़ों से घिरे हरे घास के मैदान, ठीक है, ये सब बताया गया है इस किताब में, डलहौजी थ्रू माई आईज रिटन बाई किरण चड्ढा। नेक्स्ट प्लेइंग विथ फायर लिखा गया है केटी प्राइस के थ्रू, इसमें लेखकों के जीवन के मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बुक है, ये कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाई अरुंधति राय, सबसे ज़्यादा खुशहाली मंत्रालय हमें भारतीय उपमहाद्वीप में पुरानी दिल्ली के घिरे इलाकों से नए शहर की सड़कों तक घनिष्ठ यात्रा पर ले जाता है, ये सब बातें बताई गई हैं इस किताब में। नेक्स्ट क्राइसिस विथ इन लिखा गया है गणेश देवी के द्वारा और इसमें भारत में ज्ञान और शिक्षा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इंदिरा गांधी एक जीवन ये किताब लिखा गया है जय राम रमेश के द्वारा और इसमें मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के समय के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करता है यह किताब, ठीक है। इंदिरा गांधी एक जीवन यह जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है और इसमें मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के समय के आर्थिक पहलुओं पर यह किताब चर्चा करता है। नेक्स्ट बुक है बैरन और लूथियन, ये जे आर आर टॉकियन के थ्रू लिखा गया है। पुस्तक बैरन और लूथियन की महाकाव्य कथा के बारे में बात करती है जो द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ रिंग्स विद एल्फ्स एंड ह्यूमन के प्रशंसकों को एकजुट करती है। नेक्स्ट युग पुरुष भारत रत्न अटल जी रमेश ये देखिए किताब का नाम है युग पुरुष भारत रत्न और अटल जी, ये लिखा गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के तहत तेजी से बदलते क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की चुनौतियों का विश्लेषण है ये। नेक्स्ट एक जीवन पर्याप्त नहीं है ये नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित जीवन और अनुभवों पर लेखन का संकलन है ये। स्टूडेंट्स इस वीडियो को एक जरूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोगों को ये हेल्प मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस तरीके के जो ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ये हर तरीके के एग्जाम से पूछे जाते हैं, स्पेशली बैंक PU SSC CGL, ठीक है, ये आपके KVS हुआ, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से रिलेटेड और राइटर से रिलेटेड, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी अपलोड किया जाता है वीडियो ये आप लोग को मिलता रहे। स्टूडेंट्स ये राइटर्स से रिलेटेड इसमें इस चैनल पर और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। Thank you for watching this video.